गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमारा टॉपिक चल रहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें हेलो एरिन का चल रहा था। हेलो एरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक, जनरली हेलो एरिन्स होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करता है। उसके दो कारण कल पढ़ लिए थे, कल के क्लास में दो रीज़न थे जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरिन नहीं देते हैं। फर्स्ट रीज़न था हमारा रेजोनेंस और सेकंड था sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम प्रेजेंट इन हेलो एरिन। ये दो रीज़न पढ़े थे, वो अगर देखना है तो वापस कल का आप वीडियो देखें घर जाके। या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम एग्जांपल कर रहे हैं। इसके कुछ एग्जांपल है जिसकी वजह से, मतलब कुछ कंडीशन है, मैंने बोला था अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन क्या होती है, देखिए एक लाइन लिखना सबसे पहले, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन such as high temperature or high pressure, under drastic conditions such as high temperature or high pressure, और वो हाई तो लिख दिया भाई, हाई नहीं है, हाई प्रेशर। हेलो एरिन गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोबारा सुन लीजिए एक बार, क्या लिखा हमने, अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस सच एज हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हेलो एरिन्स गिव्स, यानी हेलो एरिन भी देते हैं, रिएक्शंस देती है, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है कि उच्च ताप और उच्च दाब पर हेलो एरिन नाभिकसनयी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। अगर कुछ कंडीशन है ये, इसको अप्लाई करते हैं, उच्च ताप और उच्च दाब पर हेलो एरिन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। चलिए एग्जांपल जरूरी है, एग्जांपल जो है आपके दो तीन रिएक्शन दे रखी है विदाउट पॉइंट, हम उसको पॉइंट वाइज कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो फर्स्ट इसके अंदर आप हेडिंग लगाना वापस से, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन किसके द्वारा, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। फर्स्ट रिएक्शन में हम सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं हेलो एरिन में हेलोजन एटम का, किसके द्वारा, OH के द्वारा। ठीक है, OH के द्वारा प्रतिस्थापन, OH के द्वारा प्रतिस्थापन, ये हेलो एरिन। ये क्लोरोबेंजीन है हमारी, क्लोरोबेंजीन का आपने देखिए, इसको आप इम्पोर्टेंट लगाना, इम्पोर्टेंट इसलिए कि जब अपन OH को यहाँ से प्रतिस्थापित करेंगे तो आगे क्या बनेगा, फिनॉल। ये सेम रिएक्शन आगे आपके फिनॉल वाले चैप्टर में दोबारा पढ़ेंगे एज इट इज, तो फिनॉल वाले चैप्टर इसमें क्या है, जब OH यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बनेगा, फिनॉल। बट कैसे, तो उसके लिए हमने क्या बोला है कि NaOH से रिएक्शन करवाएंगे, NaOH के दो मॉलिक्यूल लेंगे और इसको क्या करेंगे, 625 केल्विन और प्रेशर रख रहे हैं अपन 300 वायुमंडलीय दाब रखा और ताप कितना रखा, टेम्परेचर कितना रखा, 625 और NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता है, ONA, और एक इंटरमीडिएट बनेगा पहले, ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, ये जो बना है वो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें फिर से आएगा, अच्छे से देख लेना। सोडियम फिनॉक्साइड क्या हुआ, कैसे बना, देखें इधर, यहाँ से ये जो Na है कितने दिख रहे हैं आपको, दो एटम, एक वो किसको ले गया, Cl को,
तो माइनस NaCl वो आगे बढ़ेगी, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखूँगा प्लस करके, मैं इसको आगे मुझे और करना है, इसलिए मैं ये बाई प्रोडक्ट यहीं लिख रहा हूँ नीचे। भाई NaCl गया और ये जो ऑक्सीजन है वो कितने थे, दो में से एक तो ये पड़ा, इसका मतलब एक ऑक्सीजन गया। और हाइड्रोजन देखो कितने हैं, दो, तो दो और एक मतलब क्या हुआ, अरे दो तो हाइड्रोजन गए एक ऑक्सीजन को लेके, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, एक NaCl गया, पीछे क्या रहा था ONa, वो ये पड़ा इसके ऊपर, ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड जो है ना इसका कर देते हैं हम लोग एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन क्या होता है, एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन, अरे सॉरी, एसिडिफिकेशन मतलब इसकी रिएक्शन करवा देते हैं HCl से। इसमें क्या है, एसिडिफिकेशन मतलब अम्ल डाल देते हैं इसमें, एसिड डाल देते हैं, वो एसिड जो है वो एसिड यहाँ से इसको ले जाएगा, देखो NaCl को गया, आपने इसमें वो डाइल्यूट HCl डाल दिया, तो बन गया आपका क्या भाई, अरे फिनॉल बन गया, ये फिनॉल प्लस क्या NaCl, ये फिनॉल में अपन प्रिपरेशन में पढ़ेंगे, फिनॉल अल्कोहल फिनॉल इधर पढ़ेंगे ना आगे, उसमें ये आप प्रिपरेशन में पढ़ेंगे। यहाँ हुआ क्या है कि अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, ये ड्रास्टिक कंडीशन लगाई आपने तब ये रिएक्शन प्रोसीड हुई, अदरवाइज ये Cl नहीं निकलता यहाँ से, ये Cl जो है इजीली नहीं जाता, बट गया किसकी वजह से है कि आपने टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई लिया है, ज़बरदस्ती निकाला इसको, ठीक है, ड्रास्टिक कंडीशन। आगे बढ़ते हैं, ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, सेकंड हेडिंग लगाना सब्स्टिट्यूशन बाई, सब्स्टिट्यूशन बाई, एक तो आपके साइनाइड का है वो थर्ड पे है, और एक सब्स्टिट्यूशन हो गया आपके NH2 का, किसका है, सब्स्टिट्यूशन बाई NH2 ग्रुप, ठीक है NH2। इसके लिए क्या किया आपने, वही आपने लिया क्लोरोबेंजीन, ओके, और रिएक्शन करवाओगे किससे, NH3 से, तो NH3 को ऐसे नहीं लिख के, ऐसे लिख देता हूँ मैं, प्लस 2NH3 किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हो, कॉपर ऑक्साइड, प्लस टेम्परेचर हाई रख रहे हो 425 केल्विन, और एक लिख देना वो नीचे हाई प्रेशर, ठीक है, बोलो सर, और तापमान इतना रखा, दाब भी उच्च रखना है, कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में अमोनिया से रिएक्शन करवाओगे, तो यहाँ पे जो है इसको भी डबल लेना, NH3 था ना, NH3 में से NH2 तो इसके ऊपर लग जाएगा, ये क्या है बताओ, मतलब इसका नाम क्या है, अरे एनिलीन है क्या, एनिलीन है, नहीं पता है तो याद रखें, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। अब बाई प्रोडक्ट जरा आप बताना क्या, दो तो हाइड्रोजन निकले यहाँ से, देखो यहाँ से NH3 3 2 6 हाइड्रोजन एटम कितने थे, छः में से छः हाइड्रोजन यहाँ पे, छः में से दो तो जाएंगे इसके साथ, किसके साथ, H2O, एक ऑक्सीजन को लेके जाएगा। Cl कितने थे, डबल देना, दो Cl, वो दोनों के दोनों किसके साथ है, Cl2 NH3 वाटर का मॉलिक्यूल जाएगा, H2O एनिलीन के अंदर NH3 जाएगा ना, एक बैलेंस कर लो, बाकी प्रोडक्ट यही बनेगा NH3, कोई बाई प्रोडक्ट बने, एक तो Cl2 है आपके, एक वाटर भी है, ये हो गया आपका चार, इसको करते हैं हम अगर दो तो भी छः हो जाते हैं, एनिलीन को 2, अच्छा इसको डबल करो ना, बराबर है, ओके, अरे ये जो एनिलीन बनेगा वो मॉलिक्यूल भी डबल करेंगे तो हाइड्रोजन हो गए, 2 × 2 = 4, तो इधर भी 6 हो, बराबर, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे ये पूरी की पूरी बेंजीन रिंग कितनी है, 2 है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, मैं हाइड्रोजन ढूंढ रहा था कि कहाँ गया हाइड्रोजन, बस इसको डबल करते ही हो गए 4, यहाँ पे 2 वो निकल गए, 6 होने चाहिए टोटल। एक और है इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन
बाय सीएन साइनाइड के द्वारा, साइनाइड के द्वारा सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, वही आपका क्लोरोबेंजीन ले लो प्लस सी यू सी एन एरो करके लिख दीजिए डायरेक्ट, सी यू सी एन कॉपर साइनाइड। और टेम्परेचर वही हाई रखना है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर भी ज़्यादा रखना है, सी यू सी एन। कॉपर को मैंने डबल लिया है तो ये दोनों जो है ना, कॉपर किसको लेके चला जाएगा, क्लोरीन को, सी यू टू सी एल टू, साइनाइड दो है, दोनों के दोनों इसके ऊपर ऐड हो जाएंगे। ये लो सर, यहाँ गया आपका सी यू टू सी एल टू, ठीक है। क्या बन गया ये सी एन के ऊपर, बेंजीन रिंग पे सी एन लगे, नाम क्या रखोगे इसका, हाँ साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन है, ठीक है। ये जो तीनों एग्जांपल हमने लिखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हेडिंग से लिखे, अपने को पता चलना चाहिए कि हमने कौन से न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन करवाया है और किसका करवा रहे हैं। हैलोजन एटम को किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट करवा रहे हो, प्रतिस्थापित करवा रहे हो कि अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, भाई हाई प्रेशर टेम्परेचर दे रहे हो तब ये रिएक्शन पॉसिबल हो रही है, नहीं तो नहीं होती, ठीक है। इसी के अंदर हम और आगे पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस, अगर ये हो गया है तो कंटिन्यूस मैं रफ करके आगे बढ़ता हूँ। आपका हो गया है तो रफ कर देता हूँ, बता दीजिए हो गया चला, ठीक है। देखो ये इतनी सारी कंडीशंस अपन अप्लाई कर रहे हैं, माना कि ये नहीं करें और यहाँ पे कोई ऐसा कोई ग्रुप लगा दे जो कि इसकी बेंजीन रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दे, कम करे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इसके ऊपर लगा लें, कहाँ पे, बेंजीन रिंग पर, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने के बाद में ये जो ड्रास्टिक कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी, कुछ कम टेम्परेचर पर भी रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। जैसे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया आपने, कैसा नाइट्रो, देखना ध्यान से, मैं आपके इसी के अंदर कर रहा हूँ कि यदि हम बेंजीन रिंग पर क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, अभी डोनेटिंग बोल दिया गलती से, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, एक लाइन लिख दीजिए पहले इसके लिए भी, हाँ हिंदी वाले सुन लो क्या लिखोगे, यदि बेंजीन रिंग के ऑर्थो, बेंजीन रिंग जो है उसकी ऑर्थो या पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह जुड़े हो, क्या बोल रहा हूँ, ऑर्थो, यदि बेंजीन रिंग पर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले ग्रुप लगे हो, तो हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाएंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व को, आगे लिख दो ये लाइन भी, यदि आपने क्या लिखी लाइन कि यदि बेंजीन रिंग में, हेलोएरिन में ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले ग्रुप लगे हो तो हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाएंगे या दर्शाते हैं, क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप मैं, आप लोग है ना, ये जो हिंदी मीडियम वालों ने जो लाइन लिखी है उसमें नीचे लिख दो, जैसे
जैसे जैसे मैं कर लिखो आप कौन सा लाइक NO2 COOH SO3H एटसेट्रा। अरे ऐसे ग्रुप जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींचते हैं ना, NO2 COH SO3 एटसेट्रा प्रेजेंट ऑन ऑर्थो और पैरा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पैरा पोजीशन और बोथ पोजीशन। अरे ऑर्थो पैरा पे हो या फिर कहाँ हो सकता है, दोनों जगह पे हो सकता है, ऑर्थो पैरा पे लगा हो या ऑर्थो और पैरा पर, दोनों स्थान पे। दे डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन रिंग। ये जो बेंजीन रिंग है उससे क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सो हेलो एरिन शोज न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि ये हमारा क्लोरोबेंजीन था, ये क्लोरोबेंजीन, मैंने इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाई किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट से, ये NaHCO3, ध्यान देना NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो जनरली जो होता है इसके अंदर अब आगे आपके लिख रखा है कि नो रिएक्शन, क्या बोल रहे हैं, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है, ठीक है ना। जो फर्स्ट रिएक्शन आपके दे रखी थी वो यही थी कि भाई आपके जब सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हो और इसका आप क्या कराना चाहते हो, सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हो, मतलब क्या डालोगे सब्स्टिट्यूशन के लिए, कोई भी जो इसको न्यूक्लियोफाइल दे, जैसे माना OH-, ऐसा कोई भी आपने रिएजेंट डाला जिसके अंदर OH है, जैसे जस्ट अभी पहले आपने क्या दिया था, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराया था, फिनोक्साइड बनाया था, ड्रास्टिक कंडीशन रखी थी। अभी यहाँ ड्रास्टिक कंडीशन रखी नहीं है, वो कह रहा है इसको हाई टेम्परेचर दो, कुछ भी दो, ये रिएक्शन जनरली नहीं हो रही है। बट नेक्स्ट कह रहा है कि यदि इसी यही सेम सब कुछ वही है और आपने इसके अंदर एक क्या लगा दिया है, ऑर्थो पर, ये ऑर्थो मेटा रे पैरा, या ऑर्थो पे क्या लगा दिया आपने, नाइट्रो ग्रुप। ध्यान से देखना, ये कंटिन्यूस मैं 2-3 रिएक्शन करवा रहा हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा आप लोग देखना यहाँ पे, ऑर्थो पे इस बार आपने क्या लगाया, एक और एक ऑर्थो पे और एक क्या लगा दिया, पैरा पे। और इसके बाद एक रिएक्शन और करूँगा उसमें मैं यहाँ पर भी क्या लगाऊँगा, नाइट्रो, जिसमें वो बनेगा क्या बोलते हैं उसको, पिक्रिक एसिड, क्या बनेगा, ये ऊपर की लाइन में रफ कर रहा हूँ मैं, वो थर्ड वाला यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा आप रहने दो, पहले सब मिक्स कर दोगे, गड़बड़ कर दोगे। चलिए अरे सब कुछ वही है, एरो पे सब वही लिखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, हाई टेम्परेचर दिया रिएक्शन नहीं हुई। बट यहाँ जो होगा, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा दिया, अरे अट्रैक्टिंग मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा NO2, तो रिएक्शन जो होगी वो आपके नियर अबाउट 400 केल्विन पर ये रिएक्शन क्या हो जाती है, प्रोसीड, 400 केल्विन पर ये रिएक्शन हो जाती है। लेकिन जब दो दो ग्रुप लगे हुए, यार कहना मतलब यहाँ बन गया क्या आपके, फिनॉल बन गया, रिएक्शन हो गई,
इसमें अभी फिनॉल बनेगा, बट क्या फ़र्क क्या हो रहा है दोनों में, कि ये रिएक्शन जो है यहाँ पे NO2 दो दो लगे हैं तो ये 370 केल्विन पर ही हो जाएगी। क्या बताना चाह रहे हैं आपको, बताना ये चाह रहे हैं कि NO2 जितने ज़्यादा लगेंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा ईजी होगा। ईजी हो रहा है ना, यहाँ 400 तक गर्म कर रहे हो और यहाँ पे हीट कितना किया 370, और अगर यहाँ एक ग्रुप और लग गया तो क्या होगा, टेम्परेचर और भी क्या हो जाएगा कम, वो जो टेम्परेचर कम होगा लास्ट में वो 300 केल्विन ही है। और टेम्परेचर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल आंकड़े याद कर लेना है कि कितना कितना क्या कर रहे हो। बाकी रीज़न क्या है, चलो वो जो थर्ड वाला है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इधर फर्स्ट रिएक्शन में लिख देना नो रिएक्शन फर्स्ट में, तो क्योंकि कोई भी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, एक NO2 लगाया, उसके बाद एक और लगाया, फिर और लगाया, ये लास्ट वाला जो है वो पिक्रिक एसिड वाला है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है Cl। हेलो सर, NO2 यहाँ भी NO2 और यहाँ भी आपका, मतलब इस बार आपके ये NO2 है भाई, बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है इसलिए लिखा, वैसे NO2 लिखोगे चलेगा, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है इसलिए मैंने ऐसे उल्टा लिखा, ऐसे NO2। चलिए यहाँ पर वही आप सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो लेना ही लेना, NaHCO3, और टेम्परेचर इस बार कितना देना पड़ रहा है, बस ठीक है। और यहाँ पे जो होगा आपका बन जाएगा OH, अरे NO2 हटाना नहीं है, वो NO2 हटा क्यों दिए मैंने, इस पर भी लगाना है NO2। यहाँ पर NO2, अरे इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड, ये बन गया पिक्रिक अम्ल, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आता है पिक्रिक अम्ल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखो, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड बनाने की लिखिए आप लोग। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है वो एक्वस है, तो आगे एक्वस लिख देना, जलीय है, मतलब एक्वस, और बाकी ये सब सेम ही है, ठीक है। तो एक बार यहाँ तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू, जो हमारा हेडिंग है नेक्स्ट है ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग हेलोजन डेरिवेटिव, मतलब क्या हुआ, हेलोजन व्युत्पन्नों में क्रियाशीलता का क्रम, हेडिंग लगा देना हेलोजन व्युत्पन्नों में क्रियाशीलता का क्रम। तो देखना इधर, ये आप जानते हो क्या है इसका नाम, ये तो है हमारा हेलोएरिन, हेलो ये जो तीन प्रोडक्ट मैंने लिखे हैं आपके सामने, जो भी कारक लिखे हैं मैंने कंपाउंड, वो कंपाउंड पहला कौन सा कंपाउंड है, हेलो एरिन, ये क्या है बोलो ना, हेलो एल्केन, ये हमारा हेलो एल्केन है, और ये क्या हो गया बोलो, ये बेंजिल हैलाइड है, बेंजिल हैलाइड, बेंजिल हैलाइड भाई, ये सारे के सारे हेलोजन डेरिवेटिव है। अपने हमारा हेडिंग क्या है, हेलोजन डेरिवेटिव है, ये भी हेलोजन डेरिवेटिव है, चैप्टर का नाम क्या है, ये चैप्टर अब एंड है कुल मिला के, इसके बाद में ये जो टॉपिक है उसके बाद में एक तो रहेगा टॉपिक आपका इस चैप्टर का फ्रियॉन, एक टॉपिक बचा है फ्रियॉन, एक बचा है आपका DDT और एक बचा है BHC, ठीक है, BHC, बस इसके बाद इसमें कुछ नहीं है। तो इसके जस्ट बाद में मैं अभी टॉपिक कौन सा ले रहा हूँ, फ्रियॉन, बट पहले इसको देखें, हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर था तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगाओ आप, वेरी इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, कि इनकी क्रियाशीलता का क्रम लिखिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, और एक दूसरा क्या हमारा
बेंजाइल हैलाइड, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो क्रियाशीलता होती है वो किसकी होती है भाई? इसकी, उसके बाद इसकी। मतलब क्या? आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है इसका। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से ये एक्स हटाना है भाई। अरे इस एक्स को हटाना पॉसिबल है क्या? अभी तो बता रहे थे ड्रास्टिक कंडीशन लगानी पड़ती है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देना पड़ता है। इट मीन्स ये एक्स यहाँ से इजीली जाएगा नहीं, तो जाएगा नहीं। इसका मतलब रिएक्शन सबसे कम ही किसी की होगी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे कम रिएक्टिव कौन है? हेलो एरिन। उसके बाद रिएक्शन जो है इजीली कौन देता है? हेलो एल्केन। और सबसे ज़्यादा रिएक्शन क्या देता है? इजी। ये ऐसा क्यों? ऐसा क्यों ये सबसे आसानी से क्यों देता है? बिकॉज ये क्या होता है, इसमें एक अनुनाद होता है। मैं आगे इसके बारे में थोड़ा और बता रहा हूँ। इसके बारे में ऐसे लाइन लिख देते हैं, इन बेंजाइल हैलाइड, इन बेंजाइल हैलाइड इसके अंदर एक कैटाइन बनता है, कार्बोकैटाइन। वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। मैं इसके बारे में लिखता हूँ आपके। सपोज करो कि ये वाला यहाँ से गया, कौन गया? यहाँ लिख देते हैं वापस से, CH2X-। ये जो इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, अरे ये चला गया, माना कि ये चला गया यहाँ लेके, तो पीछे जो बना है प्रोडक्ट हमारा वो क्या बना है? CH2। बोलो इस पर चार्ज क्या आएगा? ये तो एक्स माइनस के, ये तो ऐसे जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस आएगा ना। तो ये जो हमारा बना है इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकैटाइन। अरे कार्बोकैटाइन बन गया। इसके नीचे लिखिए आप बेंजाइल कार्बोकैटाइन। ये बेंजाइल कार्बोकैटाइन जो होता है ड्यू टू रेजोनेंस हाईली अनुनाद के कारण अत्यधिक स्थायी होता है, सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। ड्यू टू रेजोनेंस हाईली स्टेबल। अरे भाई जब ये एक्स माइनस के जाने के बाद में इसका स्थायी तो क्या हो रहा है? हम तो कह रहे हैं ये कार्बोकैटाइन है, बहुत ज़्यादा स्थायी है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो हाईली स्टेबल होने के कारण ये क्या करेगा? ये अपना एक्स किसी को भी ईजीली दे देगा। जब ईजीली दे देगा तो रिएक्शन में क्या होगा? पार्टिसिपेट करेगा। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे आसान इसमें होगा, क्योंकि इसका एक्स माइनस अगर निकल भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीछे बन क्या रहा है? कार्बोकैटायन, जो कि क्या है? हाईली स्टेबल है। तो इसके अंदर अनुनाद जो है, कई बार क्वेश्चन आता है कि इसके बेंजाइल कार्बोकैटायन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, तो वो बनानी जरूरी है। ये तो हो गया हमारा इसके बारे में कि भाई ये सबसे ज़्यादा, इन दोनों का हमने पढ़ लिया, इसका नहीं पढ़ा था वो अलग से बता रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से आप लोग देखें, देखो इधर मैंने इसको ऐसे लिख लिया, इस फॉर्म में अपन ऐसे बनाते हैं जनरली बेंजीन को ये, और इसके ऊपर यहाँ पर लगा दिया मैंने CH2। ये लो सर, देखना जरा इधर देखना, ये जो है ना ये प्लस, अगर हैलोजन के केस में तो अपन इलेक्ट्रॉन जो थे वो कहाँ, उसको रिंग के अंदर भेज रहे थे, यहाँ से तो ये जो अंदर वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना ये कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे। इसका अनुनाद, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ है? डेफिशिएंसी तो ऊपर है। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगी CH2, बोलो यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड। चलो पीछे ये जब बाहर चला गया तो प्लस चार्ज कहाँ आ गया? यहाँ पे, और ये दोनों एज इट इज बना दो। अब इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ पे लग रही है? ऑर्थो पे। तो ये वाला बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड आगे इधर शिफ्ट होगा। तो बताओ ये जब यहाँ आ गया तो यहाँ डबल और यहाँ डबल, और इधर वही आपके CH2। अरे ये भी बेंजाइल कार्बोकैटाइन है, ये भी बेंजाइल कार्बोकैटाइन है, और ये भी बेंजाइल कार्बोकैटाइन है। बोलो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए ये बॉन्ड कहाँ जाएगा?
इधर आगे ट्रांसफ़र होगा तो आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो ऐसा बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ आ गया, इधर पहले से था इच, तो ये CH2 इस बार प्लस चार्ज यहाँ आ गया। प्लस चार्ज कहाँ कहाँ आया देखो, ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, और फिर वापस से कहाँ आया है, ऑर्थो पे। अब इसको पूरा करने के लिए ये जो बॉन्ड ऊपर गया था वो वापस से कहाँ आएगा, पहले, अरे जैसे ही बाहर निकला था यहाँ पे, उसको वापस से अंदर ले आना, और ये बन गया आपका ये सिंगल बॉन्ड CH2। जब ये वापस अंदर आएगा प्लस वापस कहाँ आ गया, अरे जहाँ पहले था वो। चलिए ये है अपने रेजोनेंस है ना, ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस मैंने आपको ये रेजोनेंस बता दिया, इधर साइड में देख लेना कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसकी, वही फर्स्ट सेकंड थर्ड नीचे नंबर लगा देना, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिखे, फिर कंटिन्यू करते हैं, लिख लिया तो रफ कर देते हैं, लिख लो एक बार, बना लो फिर। चलिए इसके अंदर नीचे आप लिख लेना एक लाइन जो अभी बताया आपको, हमारा टॉपिक डी चल रहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आप एक लाइन लिखेंगे इसके अंदर कि हैंस बेंजाइल हैलाइड आर मच रिएक्टिव, हैंस बेंजाइल हैलाइड्स आर मच रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये लिखने के बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ फ्रियॉन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रियॉन। चलिए अब हम फ्रियॉन्स पढ़ रहे हैं, फ्रियॉन्स क्या होते हैं, फ्रियॉन्स आप लिखिए, पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन्स आर नॉन एज फ्रियॉन्स, हेडिंग लगाना फ्रियॉन्स, FRIONS, फ्रियॉन्स। इसकी डेफिनेशन क्या है, पॉली, हिंदी वाले सुन ले एक बार, एल्केनो के पॉली क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न, एल्केनो के पॉली क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न फ्रियॉन कहलाता है। अब लिखिए आप लोग, पॉली क्लोरो, पॉली क्लोरो फ्लोरो, पॉली क्लोरो फ्लोरो derivatives of alkanes, polychlorofluoro derivative of alkanes are known as freon. Freons or CFC, CFC, ये CFC का मतलब क्या, वही क्लोरो फ्लोरो कार्बन है ना, एक तो C का मतलब कार्बन, दूसरे C का मतलब क्लोरो, और F का मतलब फ्लोरो, तो CFC भी बोलते हैं इनको, ठीक है, इनको फ्रियॉन को क्या बोलते हैं, CFC, पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, डेरिवेटिव मतलब व्युत्पन्न, एल्केनों के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, फ्रियॉन्स। ओके, यानी कि कोई भी एल्केन है और उस एल्केन में कार्बन जो एटम है उसके ऊपर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, किससे, क्लोरीन और फ्लोरीन से, दोनों होना चाहिए, केवल क्लोरीन से अगर आप डिस्प्लेस कर रहे हो तो भी वो फ्रियॉन नहीं है, ओनली फ्लोरीन है तो भी फ्रियॉन नहीं है। फ्रियॉन की क्या कंडीशन है कि क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ फ्रियॉन, नेक्स्ट हेडिंग आपका सिंथेसिस ऑफ फ्रियॉन, मतलब फ्रियॉन का निर्माण, हेडिंग लगाओ फ्रियॉन का निर्माण। इसके अंदर जब फ्रियॉन की रिएक्शन करवा देते हो HF से, देखिए सॉरी CCl4 की, CCl4 आपको पता है क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन करवा देते हो HF से हाइड्रोजन क्लोराइड से, SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ से K
क्या चला जाएगा? HCl, इसके अंदर ये क्या आ जाएगा? फ्लोरीन, तो क्या बना? C, और देखना HCl गया, ये HCl को ले गया तो CFCl3, ये हमारा एक फ्रियोन बना है। इस फ्रियोन का नाम क्या होगा? फ्रियोन। फ्रियोन का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं अपन, उस फ्रियोन के नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ अंक लिखने होते हैं। ये फ्रियोन जो है आपका फ्रियोन 1-1 है। कौन सा है? फ्रियोन 1-1। ये 1-1 कहाँ से आया वो जस्ट इसके बाद नोमेनक्लेचर से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, अब एक तो ये रिएक्शन हो गया CCl4 का। अब मान लीजिए ये जो CCl4 की जगह मैं ले लेता हूँ CCl3, मैंने वहाँ पर ठीक है CCl3 या CF, बुक के अंदर आपके ये ऐसे लिखा, ऐसे लिखे या इसको CCl3F लिखे, एक ही बात है भाई, ये दोनों ठीक है। CFCl3 कहो या CCl3F कहिए, एक ही बात है, बुक में CCl3F लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सपोज करिए कि हमने वो जो वहाँ बनाया है कौन सा CCl3F, और उसकी रिएक्शन फिर से किससे करवा दिया आगे? HF से, वही एंटीमनी क्लोराइड है ना, SbCl5 से, ये याद रखना आप, तो ये एक ठीक है। एग्ज़ाम में जब सिंथेसिस पूछता है तो कोई एक मेथड बताना होता है, सारा करना जरूरी नहीं, या तो ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बोलो इस बार फिर से क्या निकलेगा? यहाँ से एक H किसको ले जाएगा? तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या निकलेगा? CCl2F2, और फ्लोरीन क्या हो गया? दो, और फिर से क्या निकल गया? यहाँ से एक हाइड्रोजन, एक Cl को ले गया, एक फ्लोरीन, एक और ऐड हो गया, एक पहले से लगा था, एक और जुड़ गया यहाँ पे। अब नाम क्या है इसका? फ्रियोन 1-2। क्या नाम है? अरे 1-1 और 1-2 आपको जस्ट इसके बाद में नोमेनक्लेचर से आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए C2Cl6 का दे रखा है, एक C2Cl6, और उसकी रिएक्शन किससे करवानी है आपको? HF से, 2HF ले लिया, सारे वही लेना है SbCl5 की प्रेजेंस में। ये जस्ट एक प्रैक्टिस के तौर पे कर रहे हैं हम लोग ये उदाहरण आगे से आगे। भाई दो हाइड्रोजन क्या ले गए? दो Cl को, तो प्रोडक्ट क्या बना? C2Cl4, और F कितने हैं? दो। देख लो आप ध्यान से, अगर 2HCl गया, हाइड्रोजन दो थे ना, तो दो Cl ले गया, मतलब 6 में से दो, 4 तो रह गए पीछे। अब दो ये रहे अपने यहाँ पे Cl के फॉर्म में गए। फ्लोरीन कितने थे भाई? दो फ्लोरीन दो थे, दोनों के दोनों ये रहे इसके साथ। अब इसका नाम लिखो, फ्रियोन। फ्रियोन का इसका नाम हो जाएगा आपके 1-1-2। क्या नाम हुआ? फ्रियोन 1-1-2। आप लोग अभी तो इसका नहीं समझ पा रहे होंगे शायद कि 1-1-2 क्या है। 1-2 ये टेंथ में भी था वैसे, आपने पढ़ा हो तो ठीक है। यहाँ तक अगर हो गया है तो अगला हेडिंग लगा दीजिए, नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन्स। सिंथेसिस इतना ही भाई, सिंथेसिस क्लियर, नोमेनक्लेचर हेडिंग लगाओ, नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन्स। फ्रियोन का नामकरण, फ्रियोन का नामकरण हेडिंग लगाना एक आप लोग। नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन्स, देखिए फ्रियोन का जो नामकरण किया जाता है, जो नाम लिखा जाता है, वो क्लोरीन और फ्लोरीन जो एटम है उनकी संख्या के आधार पर लिखा जाता है कि कितने क्लोरीन ऐड है, कितने फ्लोरीन ऐड है, कार्बन कितने हैं उसमें, हाइड्रोजन कितने हैं, इस बेसिस पे किया जाता है। और इसका जो भी नाम लिखा जाता है, हम लोग जो नाम लिखते हैं फ्रियोन का, वो लिखते हैं फ्रियोन, लिखना मत, दो मिनट रुकना, फ्रियोन XYZ। फ्रियोन का नाम जो लिखा जाता है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है? आगे तो फ्रियोन ही लिखेंगे, कोई भी फ्रियोन हो बोले, बट पीछे क्या लिखेंगे? XY और Z। तो आपको बस इतना ही पता करना है कि ये X कौन है, Y कौन है, और ये Z कौन है। तो देखें X जो है ना, वो X और ये Y और ये Z,
जेड तो है नंबर ऑफ फ्लोरीन, क्या है नंबर ऑफ फ्लोरीन, ये क्या है, ये है आपका एक्स जो होता है वो होता है सी माइनस वन, कार्बन में जितने कार्बन है उसमें से क्या कर दो, एक कार्बन क्या कर दो कम कर दो, और वाई होता है एच प्लस वन, एच प्लस वन का मतलब क्या, क्या हाइड्रोजन जो है ना जितने है उसमें एक क्या कर दो जोड़ दो, समझ में आ गया आपको क्या कह रहा हूँ। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि कार्बन में से एक कम कर दो, हाइड्रोजन में एक ऐड कर दो, और नंबर ऑफ फ्लोरीन एक है तो एक लिख दो, दो है तो दो लिख दो, और बस ये इतना सा बात है ना। अब जैसे हम सीधा इसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए एक टेबल बना रहे हैं, उस टेबल के अंदर आपको सारा समझ में आएगा। सबसे पहले उसमें लिखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका करना जा रहे हैं आप लोग, फ्रियोन का, मतलब अणु सूत्र के अंदर जैसे मैंने लिखा CFCl3, मैंने लिख लिया CF2Cl2, मैंने लिख दिया CF, ये देखिए ध्यान से कुछ भी अपने हिसाब से लिख लेना, बस कार्बन सिंगल लिया तो उस पर टोटल एटम कितने होने चाहिए, 4, एक फ्लोरीन है तो क्लोरीन 3 ले लिए मैंने, एक फ्लोरीन को 2 करते एक क्लोरीन वापस कम किया है, और अगर मैं फ्लोरीन को कर दूँ 3 तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, अरे एक, क्योंकि टोटल कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, समझ गए, जैसे 3 फ्लोरीन लगे हैं तो क्लोरीन एक ही लगाऊंगा और कहाँ लगाऊंगा, ठीक है ये बात समझ लेना, इनको रटने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, आराम से समझ में आ जाएगा। एक तो अपने को एक कार्बन वाले लेने थे ले लिए, दूसरा है और भी इसमें कर सकते हो, जैसे क्लोरीन एक ले लिया, दो ले लिया, 3 हो गया, फ्लोरीन का 1, 2, 3, ओके अब 2 कार्बन ले रहा हूँ मैं, कार्बन कितना ले रहा हूँ इस बार 2, आपको पता है कि कार्बन जब डबल है तो वैलेंसी कितनी फ्री है इसके ऊपर, 1, 2, 3, 1, 2, 3, टोटल 6 एटम ऐड कर सकता हूँ, तो 6 एटम के लिए मैंने सपोज करो कि फ्लोरीन क्या लिया सिंगल, तो क्लोरीन कितना लूँगा, हाँ सॉरी कितना लूँगा 5, अगर मैं ऐसा करता हूँ CF2, समझ रहे हो, हाँ आपके, मैं फिर एक बार बता दूं ये Cl इधर है क्या उधर है हमें कोई मतलब नहीं, हमें पता है कि भाई कहना मतलब इधर तो इधर उधर कर लोगे, बता भी दोगे कि गलत सही, क्यों नहीं गलत सही कर सकते आगे पीछे करने से, क्योंकि यदि यहाँ पे Cl है या Cl है या मान लीजिए F है, एक F यहाँ है, अब बताना जरा इस फॉर्मूले को इसके हिसाब से तो समझ ही नहीं सकते क्या मतलब हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि आप CFCl3 लिखें, आप CCl3F लिखें, दोनों का मीनिंग क्या है, एक ही है, क्योंकि जुड़ा हुआ तो ऐसे है, ये तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो तुम्हें और हमें किसी को नहीं पता होता ना कि कौन किस तरफ लगा हुआ है, फ्लोरीन ऊपर है कि नीचे है, दाएं बाएं कहाँ है पता ही नहीं है, तो बस होना वही चाहिए CF2Cl4, मैंने बोल दिया CF3Cl3, मैंने बोला CF4Cl2, CF5Cl, बस ख़त्म, C2 करो ना, C2, ओके ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इधर आ जाते हैं, अब इसके अंदर ये इतने सारे फ्रियोन लिए हैं, आप इनके आगे नंबर लगा लेना, ये सब हमारे इस समझने के लिए हैं भाई, उदाहरण हमने लिए हैं। चलिए यहाँ पे आप 3 कॉलम बनाना, और उस 3 कॉलम में हम लोग मार्कर चेंज कर लेते हैं, या देखिए इधर ये क्या है भाई, ये फर्स्ट वाला एक्स है, ये सेकंड वाला क्या है आपका, अरे ये वाई है, और ये क्या है, ये आपका जेड है, ओके। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नोमेन फ्रियोन का नाम, या थर्ड में हिंदी वाले लिखना फ्रियोन का नाम, इंग्लिश वाले लिखे नोमेन क्लचर ऑफ फ्रियोन, नोमेन क्लचर ऑफ फ्रियोन। चलिए बताना मेरे को इसमें कि इन सारे में पहले एक्स बता दो, एक्स कौन सा, एक्स किसको बोला मैंने, कार्बन में से एक कम करना है, बोल कितने कार्बन, एक, और एक में से एक कम हो गया तो 0 आ गया, यहाँ भी 0 0, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ इन सब में 1 1 1 1 1, ओके। उसके बाद वाई लिखते हैं एच प्लस एक, कहीं एच दिख रहा है आपको, अरे कहीं भी एच नहीं है, तो एच 0 0 प्लस एक एक, तो सब में 1 1 1 कर लेना, ये लो।
उसके बाद हमारा जेड, जेड क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन, नंबर ऑफ फ्लोरीन की संख्या कितनी है, देख इसमें एक, यहाँ कितनी है, दो, यहाँ पर, इधर आगे एक, दो, तीन, चार और पाँच। बोलो नाम हो गया, क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया आपके फ्रियोन 11। देख लेना वो जो प्रोडक्ट हमारी फर्स्ट रिएक्शन था उसमें हमका ये हमारा ये बना था CFCl3, या लिखा होगा मैंने CCl3 या पैसा जो भी था। उसके बाद सेकंड वाला प्रोडक्ट जो अभी नाम लिखा था मैंने, वो लिखा था फ्रियोन 12। आगे क्या है आपका फ्रियोन 13। ये जो है वो आपका फ्रियोन 111 और ये जो है आपका फ्रियोन 112। ये उसमें था, अभी आया था जो हमने प्रिपरेशन किया था ना, जब मैंने दो HCl मॉलिक्यूल, टू HF लिया था तब दो HF आ गया ना, तो फ्लोरीन के दो आइटम आए थे। तो ये हो गया फ्रियोन 113 और ये फ्रियोन 114 और ये लास्ट आपका फ्रियोन 115। और तो ऐसा कोई भी आए, जनरली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि इस इनमें से कोई दे दिया एक कि इसका नाम लिखिए, तो लिख लेंगे आप लोग अच्छे से। ये होता है मेन काम की बात, ये थी फ्रियोन XYZ। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है, आप लोग क्या करोगे गलती से, ये इधर ऐसे मत करना, गड़बड़ हो जाए, ये गलत मत करना। कहने का मतलब H+A1 इसको और C-1 इसको बना दिया तो भी कचरा हो जाएगा, काम गलत हो जाएगा। चलिए तो नॉमेनक्लेचर हो गया, आप लोग एक बार यहाँ तक लिखें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सुनिए एक बार मेरी बात, हमने फ्रियोन बनाते कैसे, सिंथेसिस हो गया, कहते किससे पढ़ लिया और फ्रियोन का नॉमेनक्लेचर भी कर लिया है। इसके बाद की जो है थ्योरेटिकल पोर्शन है, पूरी की पूरी कंप्लीट थ्योरी है। आपको कोई पॉइंट में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, बट आप थोड़ा सा लिख के लाना घर से। क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रियोन्स, फ्रियोन्स के प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स फ्रियोन के गुण। और फ्रियोन के गुण क्या, कि फ्रियोन्स आर कलरलेस ऑर्डरलेस वॉलेटाइल लिक्विड्स, ये इनका कोई कलर नहीं, कोई गंध नहीं, और ये कैसे होते हैं, और रंगहीन गंधहीन द्रव होते हैं। कलरलेस ऑर्डरलेस मीन्स क्या, कलरलेस, कोई कलर नहीं, कोई गंध नहीं, और कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं। दीज आर हाईली इनर्ट, ये इनर्ट होते हैं, अक्रिय होते हैं, अक्रिय मतलब रिएक्शन नहीं करते हर किसी के साथ इजीली। स्टेबल इवन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब उच्च ताप और उच्च दाब पर भी बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं। हो गई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बाद है यूजेज ऑफ फ्रियोन्स, फ्रियोन के उपयोग, उपयोग में आपके तीन पॉइंट दे रखे हैं, मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोग सुन लीजिए, लिखना घर जाके है। फ्रियोन्स आर यूज्ड एज इनर्ट सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट के फॉर्म में इसको क्या करते हैं, यूज लेते हैं, इनर्ट होता है ना इसलिए इसको एज ए सॉल्वेंट काम में लेते हैं। फ्रियोन्स आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेंट हिंदी में आपके प्रशीतक के रूप में, रेफ्रिजरेटर में फ्रिज के अंदर इसको प्रशीतक के रूप में काम में लेते हैं, रेफ्रिजरेंट के रूप में इसको काम में लिया जाता है फ्रीजर के अंदर, और एयर कंडीशनर एंड कोल्ड स्टोरेज, अरे जो भी शीत क्या बोलते हो, तो शीत भंडार, शीत संग्रहगार, मतलब क्या AC और हो गए, उसके अलावा जो है जैसे भाई फल फ्रूट की मंडियाँ वंडियाँ होती है या अनाज की धान की जो मंडियाँ होती है वहाँ पे जो सारे जो प्रोडक्ट रखते हैं कहाँ रखते हैं, शीत संग्रहगार में रखते हैं। शीत संग्रहगार क्या होते हैं, जो बड़े बड़े हॉल होते हैं जिनके टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो वहाँ पर भी ये जो कोई कुल मिला के जो टेम्परेचर कम करने के जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनमें कौन काम आता है, फ्रियोन काम आता है। फ्रियोन्स आर यूज्ड एज एरोसोल प्रोपेलेंट, एरोसोल प्रोपेलेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोसोल प्रोपेलेंट, एरोसोल नोदक के रूप में काम लेते हैं, हिंदी वालों के क्या लिखा होगा उसमें, एरोसोल नोदक या प्रणोदक, नोदक है ना, हाँ, तो नोदक का मतलब क्या होता है कि जो जो आपके एरोप्लेन वगैरह में इनमें फ्यूल होता है ना, इंजन, इंजन होता है ना, इंजन में फ्यूल जो डालते हैं उस फ्यूल को प्रेशराइजेशन मतलब प्रेशर बनाने के लिए उसके अंदर एज ए सॉल्वेंट के रूप में इसको काम में लेते हैं। बाकी अपने को तो ये कोई पूछने वाला नहीं है वैसे कि एरोसोल प्रोपेलेंट क्या होता है, हमें याद करना क्या है कि फ्रियोन्स का यूज़ लेते हैं कहाँ पर, एरोसोल प्रोपेलेंट
के अंदर इसको यूज़ लेते हैं। उसके बाद एक हेडिंग लगा रखा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फ्रियॉन्स। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फ्रियॉन्स मतलब फ्रियॉन का वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में इसका क्या मतलब, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि अपने लिए हार्मफुल है, क्या है फ्रियॉन? फ्रियॉन हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है? फ्रियॉन का आपको पता है कि फ्रियॉन जो होती है वो ओजोन लेयर के डेप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओजोन परत है ना, अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणें जब धरती पे आती है तो उसको रोकती कौन है? ओजोन परत, ओजोन लेयर। वो ओजोन लेयर को कौन नष्ट कर देता है? फ्रियॉन। तो फ्रियॉन ज़्यादा अगर एनवायरनमेंट में जाएगी तो ओजोन परत का डेप्लीशन होगा, मतलब ओजोन परत का क्षरण होगा। जब ओजोन परत का क्षरण होगा तो अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ आ जाएगी? धरती पे आएगी, हैं? अल्ट्रावायलेट रेज कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, और ड्यू टू दीज अल्ट्रावायलेट रेज, इन अल्ट्रावायलेट रेज के कारण क्या हो जाएगा भाई, जैसे स्किन डिजीज़ है, कैंसर डिजीज़ है एट्सेट्रा, ये हो जाती है। ठीक है, कुल मिला के ये ओजोन का आगे का जो थ्योरेटिकल पोर्शन आपके पढ़ रखा है, 11th में भी था, 10th में भी था, बट फिर भी आप ये थोड़ा सा थ्योरी आप लिखना। उसके जस्ट बाद में इस चैप्टर में ये लास्ट दो टॉपिक रहा, एक तो BHC, हाँ एक तो DDT और एक BHC। इन दोनों की ओनली एक एक ही रिएक्शन है, और ये आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना, पढ़ लेना, कुछ नहीं है। रिएक्शन में आपको बोर्ड पे समझा दूंगा, इसमें कोई विषय इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में इसको यूज़ लेते हैं। ठीक है, तो कल हम DDT और BHC के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।